कि अब किसी की औलाद से भी आ रहा है तो वो भी अपने, अगर वली नहीं है तो सिर्फ अपने लिए। लोग क्या कहते हैं यार वली वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, किसी भी नमाज पढ़ता है, वो अच्छे काम कर, ये भी अच्छा है, उसकी भी दाढ़ी है, इसकी भी दाढ़ी है, यही कहते हैं ना। वली दूसरों के लिए, जब किसी की तकमील हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर नजर तजल्ली डालता है। आप हो सकता है कि वो तजल्ली बर्दाश्त ना कर सके तो वो मर जाए, वो मर जाए, उसी के लिए है कि शिकस्ता कब्र से, शिकस्ता कब्र पे अल्लाह की रहमत पड़ती है। जब वो अल्लाह की तजल्ली से मर जाता है तो उसकी कब्र से फैज जारी हो जाता है, क्योंकि तजल्ली के बाद अल्लाह ताला 360 मरतबा उसको देखता है, वो नजर रहमत बोलते हैं उसको। हो सकता है उसका शीशा अकल टूट जाए, दिमाग ही टूट जाए, तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सके तो उसका दिमाग ही टूट जाए, उसको मजजूब बोलते हैं। फिर उन लोगों को पत्थर मारेगा, गालियां, उसने और फिर क्या करना, भाई पत्थर मारेगा ये गालियां देगा, तो उसकी गालियों और पत्थरों में भी कैसे। पिंडी में एक पीर लाल चाहते सदर यूबुन के पास जाएगा, जब जाता डंडा मारता गाली देता, तो कहते बहुत अच्छा हो, बड़ा खुश खुश आता, और आखिरी दफा जब गया तो ना डंडा मारा था ना गाली दी, उसने कहा मेरा काम हो गया, उसके बाहर इकतदार से चला गया। और तीसरा होता है कि जो उस तजल्ली को बर्दाश्त कर लेता है, जब बर्दाश्त कर लेता है तो उसको फिर महबूब बोलते हैं, और आपका महबूब हो गया, उसकी फिर बातों से फैल जारी हो जाती है, उसके पत्थर से हुआ उसकी बातों से फैल जारी हो जाती है। और फैज क्या जारी होता है, जब अल्लाह ताला एक दफा नजर रहमत डाले तो उसके साथ कबीरा गुनाह जलते हैं। अब उसके गुनाह क्या है, उसके पास बैठने वालों के गुनाह जलना चाहिए। एक नजर रहमत से 7 गुना कबीरा, 360 दफा देखे कितने गुना बनते। कभी मौलाना रूमी ने कहा ना कि वली की एक लम्हा की सोहबत 1000 साल की इबादत से बेहतर है। हो सकता है वो 1000 साल की इबादत तुम्हारा गुनाह ना जला सके, उसके पास बैठो वो तो नजर रहमत पड़ी, वहां से कोई सवाल, वहां से 7 गुना कबीरा है, कैसा भी गुनाह जला दी। और जब वो नजर रहमत असाबा कहां पे पड़ती थी, वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ कुत्ता था, वो कुत्ता ही हजरत कुतमीर हो गया। मैं कुत्ता क्या करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, बैठा रहता था, वो नजर रहमत में वो आ गया, वो पाक हो गया, हजरत कुतमीर बन गया, वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। हजूर पाक के ऊपर वो नजर रहमत हर वक्त पड़ती थी। यही वजह है कि जो आपकी महफिल में बैठते बगैर वजीफों और चिलों के वलियों से भी आला मकाम हासिल करते हैं। अब वली बैठ तो फिर वली की ओर भाई, उसकी नजर है ना तजल्ली वाला वली है, बैठ तो फिर उसकी जो, फिर उसका हाथ तेरा हजूर पाक का हाथ, हजूर पाक का हाथ, अल्लाह का हाथ, वो यहाँ भी काम आता है तो आगे भी काम आएगा। यहाँ से पास बैठने से गुनाह जलना शुरू हो गया ना, आगे योम मैशर में जिस तरह नबी चमक रहे होंगे, इस तरह एक कोने पे वली भी चमक रहे होंगे, लोग सबका दीदार करें, पूछेंगे ये कौन से नबी हैं, जो आएगा आवाज के ये नबी नहीं है ये वली, कहेंगे शहर हमारे जमाने का, वली तो हर जमाने में होते हैं, फिर जाके पहचान जाएंगे, ए अल्लाह मैंने वुजू कराया था बख्श दिया, ए अल्लाह मैंने खिलाया खाना खिलाया था इसको बख्श दिया, हजारों लोग किस तरह बख्शे गए। अब बैत हो तो उसकी हो ना, तो यहाँ भी काम आए वहां भी काम आए। लेकिन अब ये तुम्हारी कोई शनाख्त नहीं है, वली क्या होता, कोई शनाख्त नहीं, चोर को चोर पहचानता है ना, वली को वली पहचानता है, और इनके बगैर चारा भी नहीं है, अब इनकी पहचान भी कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि तुम जौहरी बन लो, पहले जौहरी बनो फिर वलियों की तलाश में निकलो। अब तुम्हें कहा जाएगी कौन नूर हीरा खरीद के ले आओ, मुगलों के पास था हुकूमत थी, मुगलों से गया हुकूमत गई,
इनके पास आ गया, लंदन वालों के पास, इंग्लैंड के पास, चली गई कुमुदनी के पास आ गई। अब तो मैं उसका पता ही नहीं कौन बुरी रात क्या होता है, कहीं से ले आओगे असल के भाव, नकली ले आओगे, घर में रखोगे कई साल, कोई फायदा नहीं होगा, तो तुम्हारा ईमान हीरे से उठ जाएगा। बेहतर था तुम पहले जौहरी बन जाते, पहले 10 साल लग जाते, फिर जब भी लेके आते तो असली हीरा ले जाते, तुम्हारा ईमान तो ना होता ना। अब यही है कि अब लोगों का ईमान पीरों से उठ गया, इसी वजह से उठ गया है कि उनको शनाख्त ही नहीं। तो शनाख्त का एक तरीका है बस इस वक्त जो रहा है, जब ये तुम्हारे दिल की बहने अल्लाह में लग जाएंगे, देखोगे कि अल्लाह कर रहे हैं महसूस हो रही है, किसी को आवाज भी आएगी, फिर किसी दरबार पे चले जाना। जब दरबार पे जाओगे तो इनमें रिकत पैदा हो जाएगी, तेजी पैदा हो जाएगी, तुम समझ जाओगे ये कोई बात नहीं। फिर 2-3 दरबारों पे तजुर्बा करना, जब ऐसे ही होगा फिर किसी छोटी सी दरबार पे तजुर्बा करना, वहां कुछ नहीं हो रहा, फिर जब किसी आदमी के सामने जाके ये चीज हो जाए तो समझ जाना वो गली है, भले गद्दी से तल्लक हो या ना हो, भले ड्राइवर हो तो भले किसान हो, जिसके पास जाने से ये धड़कने तेजी होती है, मचलती है, तो वली तुम्हारे लिए यही पहचान। हदीस की मैं वली की पहचान, इसकी महफल में अल्लाह शुरू हो जाए, अब तुम्हारे में अल्लाह है ना, तो जाके अल्लाह तेज हो गई, ये उसकी पहचान। तो हम कहते हैं कि अगर कोई बैत है तो चलो बैत सही नहीं है तो बैत बिल्कुल ना हो, पहले जौहरी बन गए बस। अगर जिंदगी मरने से थोड़ी देर पहले भी जौहरी बन गए वली को शनाख्त कर लिया तो वो भी बेहतर है, क्योंकि मुनसलिक हो गया वली से, तो मरने से थोड़ी देर पहले फिर उसके लिए जौहरी बन जाओ, उस जौहरी बनने के लिए इसमें जात की इजाजत होती है, हम तुमको बैत नहीं करेंगे, बस ये फैद है। जब दिल अल्लाह में लग गया तो फिर जब कभी वली की तलाश में निकले तो फिर वली ही मिलेगा, तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, अपनी किस्मत आजमाओ। इसके सिर्फ शनाख्त ही नहीं होगी, बल्कि शनाख्त पतन तुम 8-10 साल बाद हो या 8-10, बल्कि हो सकता है तुम्हें शनाख्त करने की जरूरत ही ना पड़े, जब अल्लाह शुरू हो जाएगा खुद ही शनाख्त हो जाएगी, जरूरत ना पड़े, सोते बैठते उठते अल्लाह शुरू हो गई है, शनाख्त खुद ही हो जाएगी, अगर ना हुई तो शनाख्त में निकल जाएगा। तो उसके लिए तरीका मैं बताता हूँ, रोजाना 66 मरतबा सफेद कागज पर काली पेंसिल से अल्लाह लिखे। फजर की नमाज के बाद 10 मौजूद वक्त है, अगर वो वक्त मुयसर नहीं है तो जब भी आपको जी चाहे लिखे, आप थोड़े दिन लिखेंगे। इसमें यह भी शर्त है, अगर नेक निगाहें हैं तो बड़ा